हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएनटी फाइनेंसर से आप लोग घर बैठे लोन कैसे ले सकते हैं। पार्टिकुलर सारा कुछ डिटेल आज के इस वीडियो में हम जो कि जानेंगे, जो कि आज के डेट में एलएनटी फाइनेंसर बहुत ही बड़ा फाइनेंसर कंपनी है, जो कि इजी प्रोसेस है। अगर हम फाइनेंसर की बात करें तो सबसे कम समय में और ज्यादा जो कि किसी तरह का डॉक्यूमेंट न लिए हुए, जो कि सिंपल सा आधार कार्ड और पैन कार्ड कर लेते हुए बड़ी आसानी से आपके अकाउंट में जो कि एलएनटी फाइनेंसर वह पैसा क्रेडिट करती है। भले किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, उसे कोई मायने नहीं रखता। एलएनटी फाइनेंसर बहुत ही बेस्ट फाइनेंसर जो की कंपनी है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो की घर बैठे सारा कुछ प्रोसेस आप कर सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास मात्र दो डॉक्यूमेंट है तो आप इजिबल है जो की एलएनटी फाइनेंसर से लोन लेने के लिए। एलएनटी फाइनेंसर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगती है, क्योंकि आपका अकाउंट भले जी किसी भी बैंक में नया हो या पुराना, उसे कोई बस नहीं बस सकते। आपके पास जिस नाम से आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस नाम से अकाउंट होना चाहिए। ये चीज मैंने रखता है, क्योंकि मैं बता दूं एलएनटी फाइनेंसर जो कि होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो या महिला छोटे छोटे ग्रुप जो कि लोन दिया जाता है वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ बाइक लोन हो, सारी तरह का लोन यह जो कि प्रोवाइड करते हैं एलएनटी फाइनेंसर, जो कि यह जो कि एक तरह से बैंक ही है। क्योंकि मैं तो इसका भले ब्रांच ओपन नहीं हुआ अकाउंट ओपन होने के लिए, लेकिन बहुत जल्द ये भी सुविधा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में यह आपको लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंसर कंपनी है और बहुत ही बेस्ट यह जो कि फाइनेंसर कंपनी। यहाँ से इजी प्रोसेस से आपको लोन दिया जाता है। यहाँ से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड से, और कम समय में यह आपको लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि इजी प्रोसेस से घर बैठे सारा कुछ आप प्रोसेस कर सकते हैं। किस तरह से आप लोन के एलिजिबल होंगे सारा कुछ हम डिटेल जानेंगे, तो इस वीडियो पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। सो गाइस, वीडियो करेंगे शुरुआत उससे पहले प्यार वाला छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी बजाएंगे ऑल पे आप प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे मैं और नई अपडेट लेकर आऊं तब तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो फाइनली हम शुरू करते हैं। डिटेल जो कि हम सारा कुछ डिटेल बताने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते 1,15,370 रुपया जो कि लोन अमाउंट यहाँ पर दी, जो कि आप लोगों को बता रहा है, और जो कि लोन अमाउंट टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है। अकाउंट में भी जो कि क्रेडिट जो कि दिखा रहा है जो कि 1,15,000 जो कि 370 रुपया जो कि यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है, जो कि दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इतना अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट जो कि नहीं किया जाता है, जो कि 1,00,000 जो कि 1,05,000 यानी कि 1,05,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 10,000 जो कि वह अमाउंट आपको बच जाता है, जिसमें से 6,500 रुपया प्रोसेसिंग फी कट जाता है, जो कि RBI के गाइडलाइन के थ्रू कटता है। उसके साथ साथ 3,500 रुपया आपका इंश्योरेंस जो कि टर्म है, जो कि इंश्योरेंस का जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ताकि आपके साथ किसी तरह का दिक्कत हो जाए तो वह जो कि लोन अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी से जो कि एलएनटी फाइनेंसर जो कि ऊपर कर सके, ताकि अपना पैसा ना बुरा सके। इसके लिए सारा कुछ अपना सुरक्षा करके यह आपको लोन अमाउंट देती है। भले ही आपको जो कि 1,15,370 रुपया का भले आपका इंटरेस्ट पे करना होगा, टोटल अमाउंट इसके हिसाब से आपको पे करना होगा। अकाउंट भले 1,05,000 रुपया जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, भले किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिटेल पर क्लिक करके हम सारा कुछ डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। भी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर सारा कुछ डिटेल दिया गया। प्रत्येक मंथ के 3 तारीख को एलएनटी का जो कि किसी तरह का आपका लोन हो, जो कि पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या किसी तरह का लोन हो या बाइक लोन हो या कार लोन हो, सारी तरह का लोन का EMI का डेट होता है एलएनटी का जो कि 3 तारीख का। सारी कंपनी का अपना अपना टर्म कंडीशन होता है। यहाँ पर प्रोफाइल पर जैसे देख सकते हो, अपडेट भी कर सकते हैं, किसी तरह का डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी कुछ देखना अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इनकेस अगर आप पहले EMI पे करना चाहते हो तो पे नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ से EMI भी पे कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम डिटेल में आपको बताते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, फुली डिटेल हम बताते हैं चाहे कैसे आप लोन के लिए इजिबल हो पाते हैं। क्योंकि प्ले स्टोर में आपको जो कि सर्च करना है LNT जो कि फिनांस आप जैसे सर्च करेंगे तो यह एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। जैसे देख सकते प्लानेट वाई LNT फिनांसर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही बेस्ट यह एप्लीकेशन। यहाँ पर रेटिंग की हम बात करते हैं, जैसे कि 4.3 का इसका रेटिंग है, और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर 5,00,000 प्लस जो कि यहाँ इसका डाउनलोडर भी है। तो गाइस, यहाँ पर फुली डिटेल हम जानेंगे जो कि एलएनटी फाइनेंसर बहुत ही बेस्ट या फाइनेंसर जो कि यह कंपनी है। जैसे कि यहाँ पर बता दूँ, यहाँ से बहुत ऐसे सारे जो कि यहाँ से सारी तरह का लोन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर रिजर्व बैंक 1934 स्टार्ट होकर चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट जो कि यह फाइनेंसर एप्लीकेशन है, जो कि फाइनेंसर बहुत ही बेस्ट यह फाइनेंसर कंपनी है, जो कि सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यह RBI के गाइडलाइन के माध्यम से सारा कुछ होता है। इनकेस अगर आप जैसे कि आप जैसे कि लोन ले लेते हैं, रीपेमेंट नहीं करते टाइमली, तो आपका सिविल स्कोर भी जो कि लो किया जा सकता है, क्योंकि यह RBI का रजिस्टर्ड जो कि यह कंपनी है।
गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन जो कि इस कंपनी से लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, उसके साथ 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 आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो जो कि इंडियन किसी भी बैंक में होना चाहिए, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, भले आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं हो चलेगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो कि पर्सनल लोन यहाँ पर जो कि 50,000 से लेकर पूरे 25 लाख तक की पर्सनल लोन अमाउंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 साल से लेकर पूरे 5 साल तक के लिए, यानी कि जो कि 12 मंथ से लेकर पूरे 60 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल से लेकर पूरे 5 साल के लिए इस लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जितना भी लोन अमाउंट दिया जाता है आपको 5 साल में ही जो कि रिपेमेंट करना होता है। इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं तो 10-20% आपको इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर लग जाता है। प्रोसेसिंग फी 0-2% इसका प्रोसेसिंग फी लगता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरह से आपका लोन अमाउंट जितना होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी आपको पे करना होता है। एग्जाम्पल में भी बता दिया है, जैसे 1 लाख आपका लोन अमाउंट अप्रूवल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट 2% ओनली जो कि पर मंथ के हिसाब से आपको लगता है, यानी कि 24% जो कि ईयरली के हिसाब से आपका हो जाता है। क्या इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसका ईएमआई, अगर हम बात करते हैं तो 12 मंथ यानी कि 12 मंथ का आपका ईएमआई बन जाता है, जिससे आप बड़ी आसानी से पे कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 1000 का आपका प्रोसेसिंग फी यहाँ पर लग जाता है। अदर चार्ज जो कि हिडन चार्ज एक तरह से होता है, स्टाम्प बनता है 100 जो कि आपको 100 रुपये आपको पे करना होता है, जिससे होता है कि आपके नाम से एक स्टाम्प 100 रुपीज़ के एक स्टाम्प बनाया जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं, टोटल 1 लाख में आपको इंटरेस्ट रेट जो कि टोटल पे करना होता है जो कि 13,472 आपको 13,472 आपको इंटरेस्ट रेट जो कि पे करना होता है जो कि पूरे 1 ईयर में। और मैं आपको बता दूं जैसे कि टोटल अमाउंट आपको पे करना होता है, जैसे कि जैसे देख पा रहे होंगे 1 लाख जो कि 14,572 आपको जो कि यहाँ पर टोटल अमाउंट जो कि पे करना होता है। लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही बेस्ट या फिनांसर कंपनी, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ होगा, क्योंकि आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। गाइस आप कहेंगे कि आप लोग लोन कैसे लेंगे, इसके लिए आपको मैं आपको बता दूँ किसी तरह से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, जो भी फिनांसर होते हैं एल&टी फिनांसर का, बहुत ऐसे सारे एम्प्लायर मिल जाएंगे आपको आसपास में, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस जो कि कंपनी से आप लोग लोन के एलिजिबल हो सकते हैं। पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या किसी तरह का जो कि बाइक लोन हो या किसी तरह का जैसे कि ग्रुपिंग लोन हो, यही सारे तरह का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, जो कि आपके बहुत ऐसे सारे इसका एम्प्लायर है जो कि आपके आसपास में मिल जाएगा, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो कि एल&टी फिनांसर से जो कि लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 1 डे में आप लोग चाहे तो लोन जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 दिन में चाहे तो आप लोग लोन अपने अकाउंट में ले सकते हैं। एल&टी फिनांसर मात्र जो कि 2 से 2.5 घंटे में सारा कुछ प्रोसेस करके यह पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। बहुत ही बेस्ट एल&टी फिनांसर कंपनी है, आप लोग इजिबल हो सकते हैं। आपका सिविल स्कोर बशर्ते बढ़िया होना चाहिए, अगर आपका सिविल स्कोर बैड है तो यहाँ से आपको लोन नहीं दिया जाएगा, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान में रखें। दोस्तों गाइस मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कर ये बता दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।